Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this particular lecture, we will discuss about the immune system. तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारी बॉडी में एक डिफेंस सिस्टम होता है, या उसे हम आर्टिफिशियली या जिसे हम कहते हैं एडेप्टिव एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम जो होता है, वैसे भी करवा सकते हैं। तो इम्यून सिस्टम जो होता है दो तरह का होता है, एक एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम होता है या एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, एक इननेट इम्यूनिटी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इननेट इम्यूनिटी के बारे में। इननेट इम्यूनिटी क्या होती है? ऐसी इम्यूनिटी जो बाई बर्थ हमारी बॉडी में पहले से ही होती है, बाई बर्थ जो रहती है उसे हम कहते हैं इननेट इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी दो तरह की होती है, एक ब्लड बॉर्न होता है और एक फिजिकल बैरियर होते हैं। तो अगर फिजिकल बैरियर की बात करें तो फिजिकल बैरियर में सबसे पहला जो आता है स्किन, तो सबसे पहला जो होता है स्किन आता है, उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, सेलाइवा हो गया, फ्लशिंग एक्शन ऑफ यूरिन एंड टीयर्स हो गए, एंड स्टमक एसिड हो गए। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जो स्किन होती है, जैसे हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन एंट्री करता है तो फर्स्ट लाइन जो डिफेंस होता है स्किन होता है। सबसे पहले उस पैथोजन को स्किन ही क्या करती है, बैरियर की तरह उसे रोकती है। तो इसी तरह भी वर्क करते हैं, जैसे म्यूकस हो गया, सेलाइवा हो गया, फ्लशिंग एक्शन ऑफ जैसे यूरिन हो गए, टीयर्स हो गए, फिर जो स्टमक के जितने भी एसिड होते हैं वो भी क्या फिजिकल बैरियर की तरह वर्क करते हैं। अब देखिए होता क्या है कि ये करते क्या है, जो जैसे स्टॉप इन्फेक्शन बिफोर इट इंटर टू द बॉडी, मतलब बॉडी में इंटर करने, जैसे कोई पैथोजन है बॉडी में इंटर होने से पहले ही उसको क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे ये जो फिजिकल बैरियर होते हैं ये। ओके, अब हम बात करते हैं ब्लड बॉर्न बैरियर के बारे में। तो जो ब्लड बॉर्न बैरियर होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है या कैस्केड होता है, और दूसरा होता है फैगोसाइटोसिस या फैगोसाइट। तो बहुत सारी सेल्स होती हैं, फैगोसाइट सेल होती हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए, बैसोफिल हो गए, इओसिनोफिल हो गए और एनके सेल हो गए। ये क्या करते हैं, जो डेथ ऑफ डेंजरस ऑर्गेनिज्म, जितने भी डेंजरस ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पैथोजेंस होते हैं उनकी डेथ करवा देते हैं। जैसे मैक्रोफेज हो गया तो ये क्या करेगा, फैगोसाइटोसिस कर लेगा। ओके, उसी तरह न्यूट्रोफिल्स भी क्या करते हैं, फैगोसाइटोस कर लेते हैं किसी भी पैथोजन को। फिर दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट कास्केड। कॉम्प्लीमेंट कास्केड में एक अल्टरनेटिव होता है और एक होता है कि अल्टरनेटिव, एक होता है एडेप्टिव, एक होता है कॉम्प्लीमेंट या क्लासिकल पाथवे। तो अल्टरनेटिव पाथवे और जो क्लासिकल पाथवे होते हैं ये दो तरह के होते हैं। तो एक जो होता है जो क्लासिकल पाथवे है ये डायरेक्ट किलिंग ऑफ बैक्टीरिया करता है, जो बैक्टीरिया को क्या करते हैं डायरेक्ट किल कर देते हैं। और जो अल्टरनेटिव पाथवे है ये भी क्या करता है, ये भी मतलब जो भी फैगोसाइट सेल की तरह वर्क करता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसमें दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक टी सेल इम्यूनिटी होती है और दूसरी बी सेल इम्यूनिटी होती है। टी सेल इम्यूनिटी को हम दूसरा नाम भी देते हैं, उसे कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और जो बी सेल होती है उसे हम कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो होती है यहाँ पे क्या होता है, एंटीजन का एक्सपोजर हुआ, फिर लिम्फो ब्लास्ट जो सेल होंगी वो कुछ ऐसी सेल्स का प्रोडक्शन करेंगी, जैसे प्लाज्मा सेल हो गए जो ब्लड में पाई जाती है, वहाँ पे एंटीबॉडीज होंगी, जैसे आईजीजी हो गया, आईजीए, आईजीई, आईजीडी, कई सारी एंटीबॉडी होगी। फिर वो क्या करवाएंगे, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम करवाएंगे, उसके बाद क्या होगा, क्लासिकल पाथवे जनरेट हो जाएगा और बैक्टीरिया को या किसी भी पैथोजन को किल कर देंगी। जो क्लोनल बी सेल होती है वो मेमोरी सेल की तरह वर्क करती है। मेमोरी सेल में जब क्या होता है, जब सेकेंडरी, ये जो मेमोरी सेल हैं ये सेकेंडरी रिस्पांस को जनरेट करवाते हैं। ओके, फिर अगर टी सेल की बात करें तो इसे सेल मेडिएटेड सेल कहते हैं। ये होल टी सेल रिलीज्ड इनटू द, जैसे टी सेल हो गए तो टीएस सेल, एचटी, टीएस सेल एंड टीसी सेल, ये सारी क्या होती हैं, रिलीज हो जाती हैं। उसके बाद होता क्या है कि डेथ ऑफ द बॉडीज सेल्स
जैसे कोई भी सेल किसी भी पैथोजन से इन्फेक्टेड हो गई तो उसकी ये क्या करवाएंगे, डेथ करवा देते हैं। तो ये हमने बात कर ली इम्यून सिस्टम के बारे में। ओके, थैंक यू।